हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा मुखवास या माउथ फ्रेशनर जो बच्चों बड़ों दोनों को ही पसंद है और फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आप इनको मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। ये हम काफ़ी टाइम से बाज़ार से ख़रीदते हैं बट आप इन्हें घर पे आराम से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए हमें चाहिए सौंफ 1 कप, नारियल कसा हुआ 1 कप, मिक्स मीठी सौंफ 1/4 कप, सिल्वर बॉल्स 1/4 कप, धनिया दाल 1/4 कप, खरबूजे के बीज 1/4 कप, मिश्री 1/4 कप, कश्मीरी सुगंध 1 टीस्पून, सूखे गुलाब के पत्ते 2 टेबलस्पून, पिसी हुई चीनी 3 टेबलस्पून और पेपरमेंट के फूल अ पिंच। मैंने यहाँ सौंफ, कसा हुआ नारियल और हमारे जो खरबूजे के बीज हैं उन्हें पहले से ही भून लिया था। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे सौंफ, फिर हम इसमें डालेंगे हमारा भुना कसा नारियल, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी मीठी सौंफ, फिर हम इसमें डालेंगे धनिया दाल, फिर हम इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज, फिर हमें इसमें ऐड करनी है सिल्वर बॉल्स, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री, और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी सुगंध और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें रोज एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राइड रोज पेटल्स, फिर हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी और पेपरमेंट के फूल, जिसे मैंने यहाँ पे गरम चम्मच पे रखे पिघला लिया है। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सुपर इजी सुपर टेस्टी माउथ फ्रेशनर तैयार है। अब आपको बाजार से माउथ फ्रेशनर परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे घर पे बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।